ताज़ा खबर ये है कि बेंगलुरु के कुख्यात माफिया आदि को पुलिस के द्वारा उसके ही ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि माफिया मासूम और हैंडीकैप बच्चों से ड्रग्स सप्लाई करवाता था और ये गिरफ्तारी कस्तूरी निवास आश्रम के मुखिया जीतू जी की सहायता से संभव हो पाई है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। हाय। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गोल्डन फिश? हाँ। श्रुति, तुम्हें इनकी खास बात पता है? क्या है? देख रही हो अभी ये दोनों कैसे खेल रही हैं? अगर इनमें से कोई एक भी मर गई तो दूसरी भी मर जाएगी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। जीतू, मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। कैसे कहूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो फिर कभी कह देना। अरे ऐसा नहीं है, मैं जो कहना चाहती हूँ वो कहना इतना आसान नहीं होता। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू। सॉरी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? भला प्यार के मामले में भी कोई मजाक कर सकता है क्या? आई एम सीरियस एंड आई लव यू। नहीं श्रुति, नहीं, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम एक अच्छी लड़की हो। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आई लव यू। नहीं श्रुति, नहीं। जीतू, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच देखकर ही मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जाओ श्रुति। आई लव यू। जीतू, आई लव यू। नहीं श्रुति। आई लव यू जीतू। जाओ यहाँ से। आई लव यू। जाओ। ये थप्पड़ क्या? तुम मार भी डालो तो भी तुमसे प्यार करूंगी। समझा रहा हूँ, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर घर में तुम्हें अच्छे संस्कार मिले होते तो तुम आज ऐसा नहीं करती। एक बार जरूर सोचती। Get out. मैं तुम्हारे प्यार के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, तुम भी उन्हीं में से एक हो। Get out.
क्यों जीतू, क्या हो गया है तुझे? तुझे इतना गुस्सा होते हुए आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। यार समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें उस पर इतना गुस्सा आ गया। हाँ? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं थी तो मना कर देते, इतना डांटने की क्या जरूरत थी उसे। जीतू बेटा परेशान मत होइए। क्या सोच रहे हो? हाँ? सब ठीक हो जाएगा। बेवजह में परेशान हो रहा है। तुम्हें पता है ना भगवान सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? पड़ोसी अंकल के घर नया मेहमान आने वाला है। सर आपके घर बेटी आई है। लक्ष्मी आ गई। हाँ मैंने पहले ही कहा था लक्ष्मी आने वाली है। सर आपको बेटी हुई है? भाई साहब, हम अपने अपने परिवारों के साथ बिना किसी मन मुटाव के हाँ। इतनी खुशी से आपस में मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं। अब इस उम्र में हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई साहब? ए जीतू, जा अपने दादाजी से बड़े वाले पटाखे लेके आ। ये क्या छोटे छोटे पटाखों से खेलता है, जा। वैसे भी आज के जमाने में दादाजी पटाखे खत्म हो गए, ये वाले ले जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं बेटा, ये पटाखे बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं। ये मतलब दादाजी मुझे यही वाले पटाखे चाहिए। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब ये पटाखे चलाना, अभी रख दे। हाँ तू ये ले, ये वाले। हाँ हाँ। दादाजी मैं बड़े वाले पटाखे ही चलाऊंगा। अरे जी तो दादाजी की बात समझ में नहीं आ रही है, मना कर रहे हैं तो जिद क्यों कर रहे हैं? जाओ जाकर खेलो। अरे बेटा बच्चों का स्वभाव है ये, बैठो तुम। दादाजी मुझे तुझे भी पटाखे चाहिए तो ये ले, ये ले। लेकिन थोड़ा ध्यान से चलाना। हाँ चल जा। शंकर भाई आपको बिटिया से बहुत प्यार है, है? क्यों नहीं होगा, हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी जो है वो, उसे घर में खेलते देखकर मुझे और सबको बहुत खुशी मिलती है। हे नटराज, शंकर ने इतने पैसे कमाए तब भी लक्ष्मी लक्ष्मी का माला जपता है। ये लो जीतू। थैंक यू सो मच। ये जो तू पटाखे दे रही है वो बड़ों के लिए है, पता है ना? ये सब कहने वाली तू कौन होती है? मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ, समझ में आया? तू नहीं मैं हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। ये मेरा होने वाला पति है, तू इससे क्यों प्यार कर रही है? मैं जिससे प्यार करूँगी उसी से शादी करूँगी, समझी? ये मेरे अंकल का लड़का है इसलिए इससे मैं ही शादी करूँगी। ये मेरे गाँव में रहता है इसलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें किस किया है, अब तुम मुझसे ही शादी करोगे ना? मैंने तुम्हें पटाखे लाके दिए ना, तो तुम मुझसे ही प्यार करोगे, है ना जीतू? ठीक है, मैं तुमसे प्यार भी करूंगा और इससे शादी भी करूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या बात है जीतू, तू उस लड़की से शादी करने वाला है? मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, वो कितनी अच्छी लड़की है इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। फिर दूसरी का क्या? उससे प्यार करूंगा और क्या। देखा तुमने, इसने दोनों फिक्स कर ली हैं ताकि हम लोगों से कोई प्यार ना करे। चलो रे हम लोग भी घर जाकर अपनी अपनी शादी फिक्स कर देते हैं, चलो। दादी हाँ? दादी क्या है बिटिया, तू मुझसे प्यार करता है? देखिए तो। पापा पापा। क्या है बेटा? जीतू मुझसे शादी करना चाहता है। अच्छा, जीतू शादी करना चाहता है।
गुड न्यूज माँ पल्लवी पार्वती सब यहाँ आओ गुड न्यूज क्या है बताओ तो अरे रुको ना सबको एक साथ ही बताऊंगा माँ क्या है बेटा पिताजी मैंने टाटा कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था ना कंपनी से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया है ये तो खुशी की बात है तुझे किसी अच्छी कंपनी में काम मिले बस यही सोचता रहता था और आज तेरे मुताबिक कि तुझे एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए थैंक्स पिताजी अच्छा मुझे इसके लिए आज ही निकलना होगा अभी निकलोगे थोड़ी दिन और रुक जाओ ना बेटा पता नहीं फिर वापस कब लौट पाओगे ऐसे नहीं होता है माँ परसों ही रिपोर्टिंग करने के लिए बोला उन्होंने अगर टाइम पर नहीं पहुँचा तो ये कोई छोटा काम थोड़ी है इसे मत रोको ये बड़ी कंपनी में काम करने वाला है इसलिए वक्त पे पहुंचना जरूरी है वैसे तुझे एक बात कह दूं बेटा तू घर की चिंता बिल्कुल मत करना जी। अपना काम दिल लगा के करना इस घर का इस गांव का इस जिले का नाम रोशन करना जरूर पिताजी आपका ही बेटा हूँ हाँ तो ठीक है हम भी इनके साथ निकलते हैं जाओ तुम भी जाओ उसका तो अपॉइंटमेंट लेटर है इसलिए जा रहा है पर तुम्हें क्या जल्दी है अगर सब चले गए तो घर खाली हो जाएगा और मैं यहाँ अकेला उल्लू की तरह रह जाऊंगा पिताजी हम सब साथ रहें ये हम भी तो चाहते हैं पर क्या करें जीतू को एक एग्जाम है और एग्जाम के बाद हम छुट्टियों में वापस आ जाएंगे ठीक है ना हाँ बेटी हमारी खुशी से ज्यादा बच्चों का भविष्य जरूरी है ना तुम लोग जाओ ठीक है तुम जाओ पर कम से कम श्रुति को तो यहाँ छोड़ कर जाओ अरे ये कैसे हो सकता है तो चुप बैठ श्रुति इधर आना बेटा तू ही बता तू मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं हाँ दादा मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ देखा तुम सबसे ज्यादा तो ये मुझे प्यार करती है इसे दो चार दिन यहीं रहने दो पिताजी आपके साथ यहाँ माँ जी है संदीप भैया भी हैं और गांव के लोग भी आते जाते रहते हैं लेकिन हमारे पास तो श्रुति ही है जिद मत कीजिए उसे हमारे साथ आने दीजिए ओके ठीक है हम निकलने की तैयारी करते हैं हाँ ठीक है चलो चलो पिताजी चलो अपना ख्याल से जाना बेटा अपना ख्याल रखना खबर भेज देना चलो चलो जल्दी बाय श्रुति बाय बेटा शरद हाँ मेरे साथ घर चलो थोड़ा आराम करके चले जाओ क्या है कि मुझे कल तक मुंबई पहुंचना है ना भाई साहब इसलिए अरे चलिए ना भाई साहब भाभी जी आधे घंटे पहले बस स्टैंड पहुंचना पड़ेगा नहीं तो पीछे की सीट मिलेगी 24 घंटे का सफर है हालत खराब हो जाएगी पर अगली बार इस तरफ आना हो तो जरूर आना जरूर भाई साहब जरूर ठीक है ना अपना स्टॉप आ गया चलो बेटा स्टॉप आ गया गाँव में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा सुनो इतने साल हो गए हैं सब तुझसे मिलना चाहते हैं माँ सुनो तो देख बेटा तेरे दादाजी आजकल बहुत बीमार चल रहे हैं उन्हें कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते लेकिन माँ इस बार थोड़ा टाइम निकाल के आ जा बेटा आ जा ना बेटा Mm-hmm.
ए भारती चलो उठ। मैडम रुक जाइए ना, बहुत मजा आ रहा है। पागल हो गई है क्या? ऐसे जमीन पर लेटी हुई है और कह रही है कि तुझे मजा आ रहा है? कहाँ गया मेरा वो बाहुबली? तेरा बाहुबली कब का चला गया? चलो उठ। ठीक है मैडम जी, मुझे जरा उठाएंगी आप? क्या अब ये भी करना पड़ेगा? चलो उठ।